दोस्तों, आज का प्रयोग है भूत प्रेत रोग आदि दूर करने का मंत्र है। इस प्रयोग के द्वारा दोस्तों आप भूत प्रेत से पीड़ित है तो उसे दूर कर सकते हो। तो मंत्र शुरू करते हैं। मंत्र है, मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र मैं स्क्रीन पर नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को घोर घोर इन घाजी की किताब घोर मुल्ला की बांध घोर रेगर की कुंड घोर धोबी की कुंड घोर पीपल का पान घोर देव की दीवाल घोर आपकी घोर बिखेरता चल पर की घोर बैठाता चल बज का किवाड़ तोड़ता चल कुन कुनसो बंच करता चल भूत को पलित को देव को दानव को दुष्ट को मुष्ट को चोट को फेट को मेले को घरेले को उल्के को बुलके को हिटके को भिड़के को ओपरी को पराई को भूतनी को पलितनी को डांकनी को सियारी को भुचरी को खिचरी को कलियों को मलबे को उनको मथ बाई के ताप को माथा मथ बाई को मगरी की पीड़ा को सांस की कास को मेरे को मुसाण को कुड़कुड़ासा मुसाण कचिया मुसाण भुकिया मुसाण चिड़ी चोपटा का मुसाण नुहिया मुसाण इन्हों को बंद करी एंडी की एंडी बगु करी पीड़ा की पीड़ा बंद करी जांग को जाड़ी बंद करी कटिया की कड़ी बंद करी पेट की पीड़ा बंद करी छाती सल बंद करी सरिकी मिस सरिकी सीस बंद करी चोटी की चोटी बंद करी नौ नाड़ी बत्तर कोठा रोम रोम में घर पिंड में दखल कर देश बंगाल का मनसारा मसेड़ बड़ा अगर मेरा कारज सिद्ध न करे तो गुरु उस्ताद से लाजे सभ्य सांचा पिंड कांचा पूर्व मंत्री स्वरवाचा। यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को एक बार और बता दूं, मंत्र सुन लीजिएगा दोबारा से। ओम नमो आदेश गुरु को घोर घोर इन घाजी की किताब घोर मुल्ला की बांध घोर रेगर की कुंड घोर धोबी की कुंड घोर पीपल का पान घोर देव की दीवाल घोर आपकी घोर बिखेरता चल पर की घोर बैठाता चल ब्रज का किवाड़ तोड़ता चल कुन कुनसो बंच करता चल भूत को पलित को देव को दाना को दुष्ट को मुष्ट को चोट को फेंट को मेले को घरेले को उल्के को बुलके को हिटके को भिड़के को अपरी को पराई को भूतनी को पलितनी को डांकनी को सियारी को भुचरी को खेचरी को कलियों को मलबे को उनको मथ बाय के ताप को माथा मथ बाय को मगरी की पीड़ा को सांस की कांस को मेरे को मुसाण को कुणकुणासा मुसाण कचिया मुसाण भुकिया मुसाण चिड़ी चोपटा का मुसाण नोहिया मुसाण इन्हें को बंद करी एड़ी की एड़ी बंगो करी पीड़ा की पीड़ा बंद करी जांग को जाड़ी बंद करी कटिया की कड़ी बंद करी पेट की पीड़ा बंद करी छाती छल बंद करी सरी की शीस बंद करी चोटी की चोटी बंद करी नाव नाड़ी बत्तर कोठा रोम रोम में घर पिंड में दखल कर देश बंगाल का मन सारा मसे बड़ा आकर मेरा कारज सिद्ध न करे तो गुरु उस्ताद से लाजे शब्द सांचा पिंड कांचा पोरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये इस मंत्र में जितने प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो बीमारी हैं जो रोग हैं उन सभी प्रकार से छुटकारा मिलती है दोस्तों। इसे करना कैसे है यह सुन लीजिए इसका विधान। रविवार को साधक साफ कपड़े पहनकर जंगल में या घर के एकांत में दक्षिण के तरफ मुंह करके बैठ जाना है। सामने लोबान की धूप लगा लेना है तथा अपने शरीर पर इत्र लगा लेना है। फिर साधक किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकता है। तेल का दीपक बराबर लगा रखना है। तेल किसी प्रकार का हो सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, है ना। इस प्रकार यह मंत्र रविवार को करने पर सिद्ध होगा दोस्तों। तथा प्रत्येक को 201 माला इस मंत्र के फेरना है आपको। जब 11 रविवार पूरे हो जाए तो उस दिन जंगल में जाकर भांग या सुल्फा छोड़ देना है। और मंत्र सिद्ध होने पर साध और इस मंत्र को पढ़ना है तो सभी प्रकार के बाधाएं भूत प्रेत आदि को दूर कर सकता है दोस्तों। सिद्ध होने पर साधक को चाहिए कि वह सामने उपद्रवग्रस्त व्यक्ति है जिसे रोगी है या उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भूत प्रेत का प्रॉब्लम है तो व्यक्ति को आपके सामने बैठा लेना है और हाथ में लोहे की कील लेकर इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है। यदि किसी प्रकार का बुखार हो तो वह उसी समय उतर जाएगा दोस्तों।